हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो देखेंगे एरर ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में एरर होने से आँख में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मायोपिया, हाइपर मायोपिया, ये सब के बारे में डील करेंगे। उससे पहले ये रिफ्रैक्शन होता क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। तो ये रिफ्रैक्शन, जैसे कि कोई भी हमारा जो लाइट रे है वो रेयर से डेंसर मीडियम में आता है तो उसका क्या हो जाता है, बेंडिंग हो जाता है। जैसे कि बताती हूँ, मान लीजिए कि एक सरफेस है, ठीक है, और ये एयर है और ये वाटर है। अब एयर से मान लीजिए कि यहाँ से क्या कर रहा है, वो दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो एयर से जब वो वाटर में जाएगा तो नॉर्मल इसको जाना चाहिए इस तरह, लेकिन बेंड होके ये इस तरह चला जाता है, ठीक है। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़्यादा होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होता है। लेकिन यही जब राइट ले ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो क्या होगा, अवे जाएगा। इसका मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो इसके कारण क्या क्या दिक्कत आती है ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले रिफ्रैक्शन मेनली हम आई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आई एक लेंस है, ठीक है। तो हम लेंस के बारे में रिफ्रैक्शन देखते हैं। हमारे आई में कितने तरह का लेंस होता है, दो तरह का लेंस होता है, एक तो कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा कॉनकेव लेंस। जब कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो उसका दोनों आकार इस तरह से रहता है, ठीक है, इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। और कॉनकेव लेंस की बात करें तो दोनों अंदर की ओर रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका बात करते हैं कि ये कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस आता कहाँ से है, तो ये मेनली आता है सर्कल से। देखिए, ये इधर से ऐसे सर्कल बनाएगा और ये इधर से ऐसे सर्कल बनाएगा। इसका बात करें तो इसे, तो जो हमारा लेंस होता है वो कहाँ से आता है, स्फेयर से आता है, ठीक है। अब लेंस की और की भी क्या बात कर सकते हैं, तो लेंस एक होता है फोकल पॉइंट, एक होता है ये हम लेंस है कन्वेक्स लेंस, ये बीच में ऑप्टिकल लाइन होता है, पॉइंट होता है। ये जो पहला है ये होता है फोकल और ये होता है हमारा डबल फोकल, जिसको रेडियस भी कहा जाता है, रेडियस ऑफ द कन्वर्सल। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा फोकस है और कौन सा रेडियस ऑफ कन्वर्सल है, कैसे? तो आप देखिएगा, कोई भी राइट ले पैलर आता है, ठीक है, पैलर आने का क्या मतलब है, बहुत दूर से आ रहा है और वो दूर से आ रहा है और ये बीच में से क्या होगा, वो ऐसे रिफ्रैक्ट करेगा और रिफ्रैक्ट करके वो एक पॉइंट पे जाके ऐसे मिलेगा, वही पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं। जैसे इधर हुआ वैसे ही इधर होगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक और चीज़ याद रखिए, जब कोई पॉइंट से दूर जा रहा है लाइट तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम डाइवर्जेंट कहते हैं क्योंकि दूर जा रहा है। और कोई पॉइंट के पास आ रहा है लाइट तो इसको क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए कि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो कहाँ कहाँ पर हो सकता है, तो ये दोनों के केस में है, ठीक है। देखिए, ये क्या है, हमारा फोकस है और ये हमारा डबल फोकस है, ठीक है, जिसको रेडियस ऑफ कन्वर्सल भी कहते हैं। इधर भी फोकस, डबल फोकस, या तो इमेज आएगा हमारा कहाँ से, इन्फेनाइट से, या तो ऑब्जेक्ट आएगा बिहाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्सल से, या एट रेडियस ऑफ कन्वर्सल, या बिटवीन रेडियस ऑफ कन्वर्सल एंड फोकल पॉइंट, या एट फोकल पॉइंट, इतना जगह क्या होगा, हमारा इमेज फॉर्म होगा। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे, तो क्या था पहले, इन्फेनाइट, फिर बिहाइंड टू एफ, फिर एट टू एफ, फिर बिटवीन टू एफ एंड एफ, और एट एफ। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, सिंपल आप इस तरह लिखिए, ये क्या है, 1 2 3 4 5, यहाँ से लिख दीजिए 1 2 3 4 5। मतलब कि अगर इमेज इनफिनाइट पे रहेगा तो ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पे रहेगा तो इमेज फोकस पे बनेगा, इमेज बिहाइंड द टू एफ रहेगा
तो इमेज बिटवीन ए टू एफ एंड एफ बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट एट रेडियस ऑफ कन्वल्सर पर रहेगा तो इमेज भी रेडियस ऑफ कन्वल्सर पर बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन रेडियस ऑफ कन्वल्सर और फोकल पॉइंट पर रहा तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द टू एफ। और अगर हमारा फोकस पे रहा ऑब्जेक्ट तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो इससे बहुत ईजिली आप समझ जाएंगे। चलिए इसको बनाएंगे कैसे देखें। आपको मिली एक प्रिंसिपल लाइन, बीच में लिखना है, बीच में ऑप्टिक है। ये याद रखिएगा जो पैरेलल रे है ना वो फोकल से पास करता है, किससे, फोकस से। तो इस तरह से फोकस से पास करेगा, ठीक है, और ये बीच में कन्वर्ज करता है, ठीक है। ऐसे कन्वर्ज तो यहाँ पर भी करेगा रिफ्रैक्शन और यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन करेगा, लेकिन हम ओवरऑल बीच में मानते हैं। और दूसरा रे कहाँ से हम निकालेंगे, तो यहाँ ये जो है ना वहाँ से निकालेंगे, इजीली बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि देखते हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिहाइंड टू एफ है, ठीक है, एफ टू एफ। तो मान लीजिए बिहाइंड टू एफ है, तो ये इमेज इस तरह से जा रहा है, फोकस को काट रहा है, ठीक है। और फिर एक यहाँ बीच से जाएगा, तो देखिए चला गया ना, इस तरह से मेली बनता है। मेरा ये जो फोकल पॉइंट है वो सही से नहीं किया हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमारा जो कन्वेक्स है इसमें क्या हो रहा है, हमारा राइट लेग कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पे जा रहा है। लेकिन कनकेव लेंस में क्या होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें इस तरह से कनकेव लेंस हुआ, इसमें प्रिंसिपल लाइन हुआ, इसमें भी फोकल होता है और इसमें भी टू एफ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डाइवर्ज होता है। जैसे कि हमारा लाइट इधर से आ रहा है, यहाँ पे डाइवर्ज कर गया, तो इसमें कैसे बनता है ऑब्जेक्ट, इसके पीछे एक अप्रॉक्सीमेट इस तरह से लिया जाता है और यहाँ पर हमारा इमेज बनता है। तो कन्वेक्स लेंस में अपोजिट साइड बनता है इमेज, लेकिन कनकेव लेंस में सेम साइड बनता है, ठीक है। तो ये सब तो आपको समझ में आ गया। जो कन्वेक्स लेंस है इसमें कैसा इमेज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, लेकिन कनकेव लेंस में कैसा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है। अब आते हैं इसके क्या में, ईरर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव स्टेट्स। तो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होता है वो फोकस करता है कहाँ पर, तो ये फोकस करता है एफ पर, ठीक है। और वो मेनली कहाँ पे करता है, तो इन फ्रंट ऑफ या बिहाइंड द रेटिना। रेटिना को हम मार रहे हैं तो वो मेनली एक पॉइंट पे फोकस करेगा, कौन से पॉइंट पे, या तो रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे। देखिए जो सही मात्रा में इमेज बनता है, तो जैसे कि हमारा कॉर्निया हो गया, ये हमारा स्क्लेरा हो गया, ये कोराइड हो गया, ठीक है, ये हमारा सीरियली बॉडी हो गया, यहाँ से ये आयरिस निकला, यहाँ पर हमारा लेंस है, और ये हमारा जूनियस से अटैच है, ठीक है। लाइट रे पिपिल से अंदर जा रहा है, और ये कहाँ पे इमेज बना रहा है, एक रेटिना बनाना भूल गए, ये रेटिना है, तो ये इमेज बना रहा है किस पे, तो नॉर्मल आई जो होता है वो इमेज बनाता है रेटिना पे। लेकिन अगर जब इसमें ईरर हो जाएगा तो इमेज या तो यहाँ पर बन जाएगा या यहाँ पर बन जाएगा, मतलब रेटिना के पहले या रेटिना के बाद में, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो वो इमेज कैसा होगा, ब्लर इमेज होगा, ठीक है। और अगर इमेज डायरेक्टली रेटिना पे बनेगा तो वो शार्प इमेज होगा और सही इमेज होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे कि पूरे आई का रिफ्रैक्शन कितना होता है, पावर कितना होता है, +60 डायोप्टर। पावर को डायोप्टर से हम देखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, आई बॉल है। अगर पूछेंगे नॉर्मल तो 24 mm होता है, लेकिन हम जो एशियन है ना उनका आईबॉल थोड़ा छोटा होता है, तो 22.5 mm होता है, ठीक है। ये हमारा ये रिफ्रैक्टिव फोकस पॉइंट है, ठीक है। और ये मेनली मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर से ये ऑब्जेक्ट आएगा, तो मेनली कहाँ पे बनेगा, हमारा रेटिना पे बनेगा, इस तरह से बना हुआ है। अगर कोई, अब ये जो रिफ्रैक्शन होता है कहाँ कहाँ होता है, तो कॉर्निया में होता है, लेंस में होता है। कॉर्निया में जो पावर होगा वो कितना होगा, 43 डायोप्टर, और बाकी पूरे में कितना होगा,
19 डायोप्टर, ठीक है। एकोमोडेशन जो हमारा लेंस है वो थिन होगा, थिक होगा, इस पे क्या डिपेंड करता है, हमारा इमेज का फॉर्मेशन। जैसे कि अगर थिन हो जाएगा, तो थिन हो गया तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन अलग होगा, और थिक रहेगा लेंस तो इसका रिफ्रैक्शन अलग होगा, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, फोकस पे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीरियली मसल रिजल्ट थिकनिंग ऑफ लेंस। अभी कुछ पिछले वीडियो में हम एकोमोडेशन में पढ़ाए थे कि अगर सीरियली बॉडी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जोन्यूल्स, जोन्यूल्स जिससे हमारा लेंस अटैच होता है, ठीक है। तो क्या है, हमारा सीरियली मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा जोन्यूल्स क्या करेंगे, रिलैक्स करेगा, और हमारा लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं इसके ईरल में। तो सबसे पहला जो है हमें ये जानना होगा कि नॉर्मल क्या होता है, जिसमें कोई भी रिफ्लेक्टिव ईरल ना हो, उसको कहते हैं इमेट्रोपिया। क्या कहते हैं, इमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, कोई भी रिफ्रैक्टिव ईरल नहीं होता है, इसको कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव ईरल, ठीक है। यहाँ पर मेनली फोकस करता है लाइट कहाँ पे, तो रेटिना पे, जो इसका नॉर्मल फोकसिंग पॉइंट है, ठीक है। अब एक आ गया एमेट्रोपिया। एमेट्रोपिया मतलब कि प्रेजेंस ऑफ ईरर, क्या, ईरर का प्रेजेंस होना, ठीक है। इसमें दो तरह का आपको पढ़ने को मिलेगा, एक्सियल एमेट्रोपिया और रिफ्रैक्टिव एमेट्रोपिया। अब ये क्या होता है, एक्सियल एमेट्रोपिया और रिफ्रैक्टिव एमेट्रोपिया। तो एक्सियल एमेट्रोपिया में मेनली या आईबॉल क्या होगा, या तो बहुत बड़ा हो जाएगा या आईबॉल बहुत छोटा हो जाएगा, जिसके कारण रिफ्रैक्टिव ईरर आएगा, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव एमेट्रोपिया में क्या होगा, जो लेंथ ऑफ आई है वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव पॉइंट है वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, एक्सेल में क्या होता है, आईबॉल में प्रॉब्लम होता है, या तो आईबॉल बड़ा हो जाए या आईबॉल छोटा हो जाए। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा आईबॉल है, नॉर्मल आईबॉल इतना है, ठीक है, तो या तो आईबॉल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, या आईबॉल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव एमेट्रोपिया में क्या होता है, लेंथ ऑफ आई सेम रहेगा, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव पावर है ना, जो बेंडिंग पावर, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए यही है, ये है नॉर्मल, क्या हो रहा है, राय डायरेक्ट फोकस कर रहा है रेटिना पे। ये क्या है, हमारा आईबॉल छोटा हो गया है तो बाहर में कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, अंदर में, ठीक है। तो जो रेटिना आईबॉल के अंदर में क्या होता है, फोकस बनाता है, मतलब कतता है, इमेज का फॉर्म करता है, उसको हम मायोपिया कहते हैं। मायोपिया का दूसरा नाम नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस क्यों इसका नाम रखा है, बताती हूँ, नियर साइटेडनेस। तो पहले इसके पहले एक एग्जांपल और बताइए कि इसमें होता क्या है। जैसे कि एक पेशेंट है जो स्कूल जाता है, बैक बेंच पे बैठता है, और उसको ब्लैक बोर्ड सही से नहीं दिख पाता है, जिसके कारण उसको बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, वह स्कूल में मार खाता है। टीचर पेरेंट्स को कंप्लेन करते हैं कि आपका बच्चा सही से पढ़ नहीं पा रहा है ब्लैक बोर्ड। टीचर आता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलता है आपके पेशेंट को नियर साइटेडनेस है। तो नियर साइटेडनेस में पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, अच्छा नियर साइटेडनेस है तो नियर साइटेडनेस में तो नज़दीक का नहीं दिखना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चा को तो दूर का नहीं दिखता है। तो इसका जवाब ये है कि नियर साइटेडनेस का मतलब ये नहीं है कि बच्चा को नज़दीक का ना दिखे, इसका मतलब है नियर साइट, मतलब नज़दीक का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। और दूसरा ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं नियर साइटेडनेस में, कि जो रेटिना है उससे आगे कट रहा है, ठीक है, और नियर का साइट उसका सही है, तो उसको हम कहते हैं मायोपिया, ठीक है। दूसरा एक आपके, जैसे कि आपके घर में पेरेंट्स हैं, वो आपको हमेशा शिकायत कर रहे हैं कि बेटा मेरे को चश्मा ला दो, मेरे को पेपर नहीं पढ़ा जा रहा है। अब पेपर नहीं पढ़ा जा रहा है तो पेपर तो नज़दीक में रख के पढ़ते हैं। तो वो डॉक्टर के पास गया और बोला कि आपके पिता को क्या है, फार साइटेडनेस है। अब फार साइटेडनेस में, अरे फार साइटेडनेस मतलब तो दूर का नहीं देखेगा, तो ऐसा नहीं है, फार साइटेडनेस इसका मतलब कि पेशेंट को नियर का दिखाई नहीं देगा, और ये जो राइट रे कतरा है वो बिहाइंड द आई बॉल होगा, या बिहाइंड द
रेटिना होगा तो फार, तो ऐसे याद कर सकते हैं, नियर में मतलब नज़दीक में ये इमेज बन रहा है, और फार में दूर में इमेज बन रहा है, ठीक है। और दूर में इमेज बन रहा है तो पेशेंट को नज़दीक का नहीं दिखाई देगा, और ये नज़दीक में इमेज बन रहा है मतलब पेशेंट को दूर का नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से याद किया। अब मायोपिया, तो मेरे को मायोपिया है क्योंकि मेरे को दूर का नहीं दिखता है, तो मैंने इससे याद किया। और मेरे को कनकेव लेंस लगा हुआ है। हाइपरोपिया, तो इसमें नज़दीक का नहीं दिखता है, तो इसमें कनकेव लेंस लगता है। इमेट्रोपिया, ये नॉर्मल है, इसमें कोई भी लेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आशा है समझ गए होंगे। तो अभी क्या पढ़ा हमने, पढ़ा अभी एमेट्रोपिया। क्या एमेट्रोपिया, ये मेनली इसमें तीन चीज़ हमें देखना मिलता है, क्या तो मायोपिया जिसमें आप दूर का नहीं देख सकते हैं, हाइपर मायोपिया, मायोपिया जिसमें आप नज़दीक का नहीं देख सकते हैं, और एस्टिगमेटिज्म, इसमें क्या होता है ना कि आपको गजब से टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है। चलिए अभी डिस्कशन करेंगे ना, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और एक टर्म होता है प्रेस वायोपिया। प्रेस वायोपिया मेरे बुद्धों में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि न पेशेंट को दूर का दिखाई देता है, न पेशेंट को नज़दीक का दिखाई देता है। तो पहले मायोपिया से स्टार्ट करते हैं। मायोपिया को क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस, मतलब नियर का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि नियर मतलब कि आगे में, आईबॉल के आगे में ऑब्जेक्ट क्या है फॉर्म होगा, ना कि पीछे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये कंडीशन, ऐसा कंडीशन है जहाँ पर कि लाइट रे जो है वो रेटिना के आगे इन फ्रंट क्या होता है, फोकस करता है, ठीक है। इसमें जो आई है ना वो मेनली क्या करता है, तो आई हाफ क्लोज होता है, मायोपिक लुक। मायोपिक लुक अगर कोई पूछेगा तो हाई जो आई है वो पूरी तरह क्लोज नहीं होता है, आई क्लोज हाफ क्लोज होता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, तो एक्सियल मायोपिया, कलवेल्चर मायोपिया और इंडेक्स मायोपिया, इसका तीन कॉज है। पहला क्या है, एक्सियल मायोपिया, आई बॉल का बड़ा छोटा हो जाना। दूसरा कर्वल्चर मायोपिया, CURVATURE, और तीसरा क्या था, तो तीसरा था मेनली इंडेक्स मायोपिया। अब ये तीनों होता क्या है, तीनों को एक एक करके डील करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्सियल मायोपिया, जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोपिया है। इसमें क्या होता है, जो लेंथ होता है आई बॉल का लेंथ होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण इमेज क्या होगा, रेटिना से पहले बन जाएगा। जैसा कि आपको जानते हैं नॉर्मल कितना होता है, 24 होता है यूरोपियन लोग में, और हम लोग में 23 या 22.5 mm होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आई बॉल जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, इमेज पहले बन जाएगा, जिसके कारण दूर की चीज़ें नहीं दिख पाएगी। तो इसमें कहते हैं ना कि अगर आई बॉल 1 mm आई बॉल बड़ा होता है, अगर साइज ऑफ आई बॉल 1 mm बढ़ेगा तो उसमें 3 diopter मायोपिया ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई निकालने कहे कि एक्सियल लेंथ को निकालिए किसी पेशेंट का जो मेनली -21 diopter का ग्लास वियर करता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसमें क्या कीजिए, आपको पता है कि 1 diopter, 1 mm जब आई बॉल बढ़ेगा तो कितना डायोप्टर मायोपिया होता है, बढ़ता है 3 diopter, तो ठीक है। तो सबसे पहले 21/3 कर दीजिए, 7 आ गया, ठीक है, तो हमारा 7 mm आई बॉल बढ़ा है। तो नॉर्मल साइज ऑफ आई बॉल क्या होगा, तो मान लीजिए यूरोपियन में पेशेंट हम देख रहे हैं तो 24/7, ठीक है। मान लीजिए कि दूसरा एग्जांपल देती हूँ, कोई पेशेंट आया जिस जो मेनली कितना उसका ग्लासेज है, तो उसका ग्लासेज है मान लीजिए 30 diopter का वो ग्लास पहना हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि इसके आई बॉल में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, तो आई बॉल में इंक्रीजमेंट देखना है तो पहले तो आपको पता है 1 mm बढ़ता है तो कितना होता है, 3 diopter बढ़ता है, तो 30 diopter में कितना mm बढ़ा है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे 10 mm
ज़्यादा हुआ है। तो टोटल आईबॉल का साइज कितना है, पहले से अगर यूरोपियन पेशेंट है तो 24 + 30 टोटल आईबॉल का साइज हो जाएगा 34 mm। ठीक है, इस तरह से आप आईबॉल का साइज निकाल सकते हैं मायोपिक पेशेंट में। अब चलिए, जो मायोपिक पेशेंट है ना वो मेनली क्लोज टू द आई पहनते हैं, जो ग्लास पहनते हैं वो आँख के नज़दीक में पहनते हैं, और कौन सा पहनते हैं, कनकेव लेंस पहनते हैं। लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट होते हैं जो कन्वेक्स लेंस लेते हैं वो मेनली लोअर डाउन टू द नोज पहनते हैं, मतलब कि वो निकट देखना है ना तो थोड़ा नाक के तरफ रहेगा ताकि आप इजीली नीचे वाला देख सकें, और हमें सामने देखना रहता है दूर के लिए इसलिए वो आँख के पास किया जाता है। ठीक है, इतना समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, कलवर्चर। क्या कलवर्चर मायोपिया, इसमें क्या होता है, तो इसमें मेनली आपको पता है कि जो कॉर्निया का कलवर्चर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसको मेनली किस में देखने को मिलेगा, केरातो कोनस में मिलेगा। ठीक है, तीसरा है इंडेक्स मायोपिया। इंडेक्स मायोपिया में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एग्जाम्पल क्या है, तो न्यूक्लियर कैटरेक्ट, जिसमें हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जो मायोपिक है उसका दूसरा नाम क्या था, शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, जो मेनली दूर का चीज़ें नहीं देख पाते हैं। तो इसमें मेनली क्या होता है, रिव्यू कर रही हूँ, दूर की चीज़ें आती है और रेटिना के आगे ही वो कट जाती है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ता है, इसको डाइवर्ट करना है, इसलिए हम कनकेव लेंस लगाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्या में, तो हाइपरमेट्रोपिया में। उससे पहले इसमें जो पीपीटी में दिया हुआ है वो देख लेते हैं। देखिए, ये नॉर्मल आए हैं और ये हमारा आईबॉल बड़ा हो गया है, जिसके कारण जो इमेज है वो रेटिना से पहले कटा है, इसी को हम मायोपिया कहते हैं। मायोपिया में मिली आप ये भी देख लिए, एक्सियल भी देख लिए, रिफ्रैक्टिव और कर्वेचर भी देख लिए, और हाई डिग्री ऑफ मायोपिया जिसमें होता है उसको कहते हैं पैथोलॉजिक मायोपिया। इसमें मेनली आप देखिएगा रेटिनल डिटैचमेंट या डिजनरेटिव रेटिनल चेंजेज देखने को मिलता है। ठीक है, अब आ गए हाइपरोपिया में, जिसको अब ये हाइपरोपिया में जाने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए, जो हमारा मायोपिक है आई है उसको हम सही कर सकते हैं किसके द्वारा, कनकेव लेंस, जिसको डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं, और इसका साइन क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो इसका लिमिटेशन कितना तक होगा, तो अगर एक डायोप्टर बढ़ेगा ना तो 2% जो इमेज है वो छोटा होंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारा हाइपरोपिया में, जिसको हम फार साइटेडनेस कहते हैं। इसका मतलब कि हमारा आईबॉल छोटा हो गया, जो रे है वो फोकस किया आउटसाइड द रेटिना या आईबॉल। इसमें मेनली क्या होता है, हमारा आईबॉल छोटा हो जाता है। तो कितना छोटा होता है हम कैसे पता करेंगे, तो मान लीजिए कि हमारा कोई पेशेंट आया, उसको नज़दीक की चीज़ें नहीं दिख रही है, तो उसको चश्मा लगा हुआ है या उसका पावर है कितना, तो +21 diopter। तो जो हमारा आईबॉल है उसका साइज कितना होगा, तो आपको पता है 1 mm जब बढ़ता है या घटता है तो 3 diopter होता है, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 7 हो जाएगा। अब 21 में 7 को माइनस कर देंगे, इसका मतलब कि इतना हमारा आईबॉल छोटा हो गया। ठीक है, ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो ये हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया है, ये इसके 3 कॉजेज होते हैं, जैसे ऊपर था एक्सियल, कर्वल्चर और इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। एक्सियल जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, इसमें जो हमारा आईबॉल है वो छोटा हो जाता है, और 1 mm आईबॉल छोटा होता है उसमें 3 diopter हाइपरमेट्रोपिया होता है। दूसरा कर्वल्चर, तो जो हमारा कॉर्निया है वो क्या हो जाएगा, फ्लैट होगा, जो मेनली देखने को मिलता है कंजनाइटल में। इंडेक्स वाला में क्या होगा, हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल बता रही हूँ, मान लीजिए कि कोई पेशेंट है जिसको जो राइट ले है वो नहीं लॉन्ग डिस्टेंस उसको हो रहा है और नहीं शॉर्ट डिस्टेंस हो रहा है फोकस करने में। ठीक है, लेकिन उसको एकोमोडेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें क्या होगा, जैसे कि देखें कोई पेशेंट है जिसमें नहीं लॉन्ग डिस्टेंस में प्रॉब्लम है रे में और नहीं शॉर्ट डिस्टेंस में प्रॉब्लम है,
तो उसमें कैसे एकोमोडेशन होगा, जो हमारा एक आई है ना वो 16 डायोप्टर तक एकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, कैसे करेगा, तो जो लॉन्ग डिस्टेंस से आता है उसको फोकस करवाता है रेटिना पे, तो लॉन्ग डिस्टेंस से आता है लॉन्ग साइटेडनेस तो उसको हाइपरमेट्रोप्स कहते हैं, तो तब तक 16 डायोप्टर तक उसको कोई भी कन्वेक्स लेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन एक्सेसिव एकोमोडेशन के कारण क्या होते हैं, आई में स्ट्रेन चालू हो जाता है, जिसका हम कहते हैं आई में स्ट्रेन होना, सर दर्द ये सब करता है ना, एस्थेनोपिया। क्या हो जाता है, आई में स्ट्रेन चालू हो जाता है, जिसके कारण हेडेक होता है, आयक होता है, जब आप लगातार 5 से 6 घंटा पढ़ रहे हैं और इसको सही नहीं किए तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग आई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग, वो धीरे धीरे कन्वर्जिंग कर जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, सिनकाइनेसिस कहते हैं, और इसके कारण कन्वर्जेंस स्क्वेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट स्क्वेंट। अब ये कन्वर्जेंट स्क्वेंट क्या होता है, तो जब स्क्वेंट पर होंगे तो अच्छी तरह से पर होंगे, अभी समझ लीजिए ये हमारा आई है, नॉर्मल आई इस का बीच में रहता है ये आयरिस, लेकिन जो कन्वर्जेंट है वो इधर दिखेगा। अगर डाइवर्जेंट आई हो गया तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल आई और डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों एक तरह एक जैसा नहीं दिखेगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एकोमोडेटिव स्क्वेंट भी कहते हैं। क्या, एकोमोडेटिव स्क्वेंट, क्योंकि हमारा आई है लगातार सही करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन उसके कारण क्या होता है, धीरे 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 ये क्या होता है, कन्वर्जिंग पावर स्ट्रेन, आई को स्ट्रेन देने लगता है, ज़्यादा हम एकोमोडेशन करते हैं तो तभी तो सर दर्द करता है। इसलिए कहा जाता है कभी भी लगातार नहीं पढ़ना चाहिए, 10 मिनट का ब्रेक लेके पढ़ना चाहिए, ताकि हमारा आई क्या हो, रिलैक्स हो सके। और अगर कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस अगर पहना रहे हैं तो कन्वेक्स लेंस का चार्ज क्या होता है, प्लस होता है, और कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें है कि एक डायोप्टर में कितना इमेज मैग्नीफाई करेगा, तो 2%, कनकेव लेंस में 2% कम हो रहा था और इसमें 2% बढ़ रहा है। ठीक है, अगर ये जो मायोपी है अगर इसको सही नहीं किया गया तो हमारा सीरियली मसल क्या हो जाएगा, पोअर हो जाएगा, जिसके कारण एकोमोडेशन नहीं होगा और उसके कारण क्या होगा, डाइवर्जेंट स्क्वेंट होंगे। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सीरियली मसल में प्रॉब्लम होगा तो डाइवर्जेंट स्क्वेंट होगा, और अगर कन्वर्जिंग में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हाइपरमेट्रोप्स में क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, वो लगातार कन्वर्जिंग कर रहा है लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है, तो कन्वर्जेंस स्क्वेंट हो जाएगा। लेकिन मायोपिक पेशेंट में क्या होता है, ये कनकेव लेंस होता है, उसमें क्या करता है, डाइवर्जेंट करते रहता है, तो डाइवर्जेंट स्क्वेंट होगा। ठीक है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छा से समझ में आ गया, तो फिर से एक बार रिवीजन। मेरे लिए एक्सियल आईबॉल छोटा हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव क्या हो जाएंगे, रिफ्रैक्टिव पावर कम हो जाएगा, जैसे कि एफ आई के सब में होता है, और इसमें क्या होगा, जो इमेज बनेगा वो नियर हाइपरमोपिया है ना, इसका मतलब कि इंसान को क्या होता है, फार साइटेडनेस होता है, मतलब कि नज़दीक का चीज़ नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो इसमें जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, दूर बनेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी दो तरह का होता है, लेटेंट हाइपरोपिया, मैनिफेस्ट हाइपरोपिया। लेटेंट मतलब कि एकोमोडेशन के बाद वो सही हो जाए, और इसमें जैसे कि साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन होता है, जो मेनली आई स्ट्रेन कहता है कि रीडिंग के समय क्या होता है, आई स्ट्रेन हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि आँख दर्द कर रहा है। मैनिफेस्ट हाइपरोपिया मेनली एकोमोडेशन के बाद सही नहीं होता है। अभी बताया ना एक कहानी कि क्या होता है, हमारे आई को 16 डायोप्टर तक क्या होता है, वो एकोमोडेट कर सकता है बिना कोई लेंस के द्वारा, लेकिन उसके लगातार करने से क्या होगा, अगर दूर का दृष्टि खराब है तो क्या होगा, तो उसको डाइवर्जेंट स्क्वेंट हो जाएंगे। अगर नज़दीक का अगर दूर का दृष्टि खराब है तो दूर का दृष्टि के लिए हम कौन कौन सा लेंस लेते हैं, कनकेव लेंस लेते हैं। ठीक है, तो कनकेव लेंस का क्या काम है, डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंस स्क्वेंट हो जाएगा। और अगर नज़दीक का दृष्टि खराब है तो हम कन्वेक्स लेंस लेते हैं, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंस स्क्वेंट हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पर पढ़ाया है, और ये मेनली सही कर सकते हैं हम स्पेक्टिकल्स का यूज करके। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा,
कि स्लाइड टू मॉडरेट जो फार साइटेडनेस होता है ना वो क्लियरली सही हो सकता है, लेकिन अगर सीवियर हो जाए तो इसमें विजन कैसा दिखेगा, ब्लर दिखेगा एट फार एंड नियर। और इसके लिए क्या चाहिए, हमारा ग्लासेज का चाहिए, ठीक है। अब अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें ओवरऑल हाइपरोपिया और सॉरी मायोपिया और हाइपर हाइपरोपिया तो क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मायोपिया, मायोपिया में रे क्या होता है, आईबॉल से पहले कटता है। हाइपरमेट्रोपिया में रे आईबॉल के बाद कटता है, ठीक है। मायोपिया में क्या है, हम दूर की चीज़ें नहीं देख सकते हैं। हाइपर मायोपिया में नज़दीक की चीज़ें नहीं देख सकते हैं। मायोपिया में कनकेव लेंस देना पड़ता है, हाइपर मायोपिया में कन्वेक्स लेंस देना पड़ता है। मायोपिया में इमेज छोटा होता है, मिनिफिकेशन होता है, और ये हाइपरोपिया में क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है। मायोपिया में एकोमोडेशन पुअर होता है, और ये हाइपरमेट्रोपिया में एकोमोडेशन स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ये मायोपिया को सही नहीं किए तो डाइवर्जेंट स्क्वेंट हो जाएगा, और अगर हाइपरमेट्रोपिया को सही नहीं किए तो कन्वर्जेंट स्क्वेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये दोनों को एक साथ हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों को एक साथ हम कह सकते हैं स्फेरिकल एरर ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि हमारा आईबॉल क्या है, कैसा कलर का कैसा है, स्फेरिकल है। इसमें जो लेंस यूज करते हैं, अभी बताया था, या तो ये कन्वेक्स लेंस हो या कनकेव लेंस हो, ये क्या से आया है, स्फेयर से आया है, इसलिए इसको स्फेरिकल एरर ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई डॉक्टर लिखेगा तो क्या लिखेगा, अगर मायोपी है तो -2D S है, इसका क्या मतलब है, S मतलब कि स्फेरिकल, +2D S है, S मतलब स्फेरिकल एरर, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस्टिगमेटिज्म ये एक कंडीशन है जहाँ पर मेनली दो फोकस पॉइंट बनता है, जैसा कि आपने मायोपिया पढ़ा, हाइपर मायोपिया पढ़ा, ये समय क्या था, एक फोकस पॉइंट था, लेकिन इसमें क्या होता है, दो फोकस पॉइंट बनता है। कैसे, तो आपको पता है कि कॉर्निया में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और हमारा लेंस में भी। तो कॉर्निया ये हमारा क्या है, स्क्लेरा है, ये कॉर्निया है, इसका जो पेरिफेरल होता है ना वो ज़्यादा स्टेपल होता है एज कंपेरिजन टू सेंटर। तो इससे क्या होता है, जो रे आता है पेरिफेरल फोकस से वो कटता है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, और जो आता है सेंटर ऑफ द सेंटर से वो कटता है बिहाइंड द रेटिना। मतलब एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, अगर मान लीजिए रे सेंटर से आ रहा है तो ये कहाँ कटेगा, बिहाइंड द रेटिना, लेकिन कोई अगर ये पेरिफेरल से आ रहा है तो ये कटेगा इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इससे क्या होता है, इसका दो फोकस पॉइंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया क्या है रिफ्रैक्टिव एस्टिगमेटिज्म, तो इसमें मेनली दो अलग अलग मेरिडियन बनता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें क्या पढ़ते हैं, स्टर्नम कनॉइड पढ़ते हैं। तो उससे पहले हम एस्टिगमेटिज्म के बारे में एक रफ नॉलेज दे देती हूँ, उसके बाद स्टर्नम कनॉइड क्या होता है ये बताऊँगी, ठीक है। तो ये जो हमारा एस्टिगमेटिज्म है जिसमें दो फोकस बनता है, ये डिवाइड होता है टू पार्ट में, एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर। रेगुलर होता है ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज इन आयरिस लेंस रेटिना, जिसमें मेनली ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट होता है। और जो इरेगुलर होता है वो या तो आयरिस में स्कार हो जाए या किसी पर्सन को कैटरेक्ट हो जाए तो उसमें इरेगुलर होता है, ठीक है। अब जो इरेगुलर है उसके कॉज क्या हैं, तो बता दिया क्या कि एबनॉर्मलिटीज इन आयरिस लेंस रेटिना, ठीक है। तो हम इसको सही कैसे करते हैं, तो ये अगर रेगुलर है तो उसमें हम मेनली क्या देखते हैं कि अगर पावर एक डायोप्टर से कम हो जाए ना तो उसको मेनली एस्थेनोपिक सिम्टम दिखने लगेंगे। एस्थेनोपिक सिम्टम में क्या आता है कि जो हमारा आई स्ट्रेन कर रहा है, हेडक हो रहा है, ड्रॉजिनेस आ रही है, वोमिटिंग आ रहा है, लेकिन अगर एक डायोप्टर से ज़्यादा हो जाए तो ब्लर विजन आने लगता है, और एक डायरेक्टर से और ज़्यादा हो जाए तो ऑब्जेक्ट टॉल दिखने लगते हैं, और एक डायोप्टर से बहुत ज़्यादा हो जाए तो बच्चा क्या करेगा ना, पेपर इसे पढ़ते समय उसको नज़दीक लाएगा और अपने हेड को टिल्ट करेगा, हाफ टिल्ट करेगा, ताकि उसको ऑब्जेक्ट सही से सुनाई दे।
तो अगर इसका ट्रीटमेंट करें, अब जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो या तो ग्लास देंगे, कॉन्टैक्ट लेंस देंगे या सर्जरी करेंगे। तो ग्लास तो नॉर्मली दिया जाता है, कॉन्टैक्ट लेंस दो तरह का होता है, सॉफ्ट और रिजिड। जब एक डायोप्टर होता है या एक डायोप्टर से थोड़ा ज़्यादा होता है तो हम सॉफ्ट देते हैं, रिजिड जब 2 से 3 डायोप्टर होता है तब देते हैं। सर्जरी कब करते हैं? जब जो पावर हो वो 5 डायोप्टर से ज़्यादा हो, ठीक है। अब इरेगुलर, इरेगुलर में क्या बताया कि इसके जो सिम्टम है कि ब्लर दिखेगा, डिस्टॉर्टेड ऑब्जेक्ट दिखेगा तेरा मेरा, बहुत एक से ज़्यादा इमेज देखेंगे, और क्या करेंगे तो इसमें ट्रीटमेंट, तो इसमें हम कॉन्टैक्ट लेंस देंगे। और अगर स्कार आ गया है तो हम PTK सर्जरी करेंगे। PTK क्या होता है? फोटोथेरेपी केराटोटोमी करेंगे, ठीक है, अगर सुपरफिशियल स्कार है तो। लेकिन स्कार डीप आयरिस के अंदर चला गया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? DALK, क्या? DALK। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीप एंटीरियर लैमिनल केराटोब्लास्टी, ठीक है, ये करेंगे, ठीक है। अब चलिए आते हैं, तो अभी क्या बताया कि एस्टिगमेटिज में हमें केनोइड देखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है केनोइड स्टेनम कोनोइड क्या होता है। इसमें मेनली दो बनते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। ये वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों अलग अलग पॉइंट पे बनते हैं, तो देखते हैं कैसे बनेगा। अभी जो टॉपिक है उसका क्या नाम है? स्टेनम कोनोइड। ये मेनली एस्टिगमेटिज में देखा जाता है। ये एक ऑप्टिकल कंडीशन है जिसमें मेनली रिफ्रैक्टिव पावर जो कॉर्निया का है और जो रिफ्लेक्टिव पावर लेंस का है दोनों सेम नहीं होगा ऑल मेरिडियन में। इसका मतलब कि जो फोकल पॉइंट एक बनना चाहिए वो फोकल पॉइंट 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा, और इन दोनों के बीच में क्या होगा? इंटरवल होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? स्टेनोइड कैनोड कहते हैं। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम समझते हैं रिफ्रैक्टिव एरर। जो रिफ्रैक्टिव एरर है ना वो 2 तरह का होता है, एक का नाम है स्फेरिकल एरर और दूसरे का नाम है सिलिंड्रिकल एरर। अब स्फेरिकल एरर मेनली अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई मायोपिया और हाइपर मायोपिया में होता है, हाइपर मायोपिया या हाइपर मायोपिया में होता है। इसमें मेनली देखने को क्या मिलता है? जैसे कि आपको पता है हमारा आई बॉल पूरी तरह तो गोल नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, लेकिन माना जाता है कि स्फेरिकल है, ठीक है। तो मायोपिया और हाइपर मायोपिया में क्या होता है? या तो आई बॉल स्मॉल हो जाए या आई बॉल बिग हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल में प्रॉब्लम है। और ये जो प्रॉब्लम होगा, ये जो एरर होगा, जो होगा सभी डायरेक्शन में सेम होगा। मतलब कि ये जो मेरिडियन है, चाहे इस मेरिडियन में देखे, इस मेरिडियन में देखे, इस मेरिडियन में देखे, इस मेरिडियन, सभी मेरिडियन में सेम एरर होगा। इसको हम क्या कहते हैं? इवन सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन सरफेस, ठीक है, या इवन रिफ्रैक्टिव सरफेस भी कह सकते हैं, जिसमें जो एरर होता है वो सभी डायरेक्शन में सेम होता है। मान लीजिए यहाँ पे 2 डायोप्टर है, तो यहाँ पर भी 2 डायोप्टर, यहाँ पर भी 2 डायोप्टर, यहाँ पर भी 2 डायोप्टर, ठीक है। लेकिन सिलिंड्रिकल एरर में ऐसा नहीं होता है। आपको पता है जो हमारा रिफ्रैक्टिव सरफेस है उसमें कितने रिफ्रैक्टिव सरफेस होते हैं? 4 रिफ्रैक्टिव सरफेस होते हैं, 2 कॉर्निया का और 2 लेंस का। कॉर्निया का एंटीरियर पोस्टीरियर और लेंस का एंटीरियर पोस्टीरियर। तो इसको क्या कह सकते हैं कि एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस। इतने क्या होते हैं? 4 रिफ्रैक्टिव सरफेसेज होते हैं। तो ये जो सिलिंड्रिकल में होता है ना उसमें मिले अनइवन सरफेस होता है। अनइवन सरफेस मतलब पावर इक्वल नहीं होगा कम से कम 2 मेरिडियन में, और ये 2 मेरिडियन में इक्वल नहीं होगा। और ये जो भी होगा ना वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, मतलब एक हॉरिजेंटल में होंगे तो दूसरा क्या होंगे? दूसरा हो जाएंगे वर्टिकल में। इसी कारण हमें क्या मिलता है? 2 फोकस मिलता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो ये देखिए यही पिक्चर बना, ये बाद में जाके इस तरह से एक दूसरे का कोनाइड जैसा शेप बनाता है। एक क्या हो जाएगा? फोकल 1 हो जाएगा, एक दूसरा फोकस 2 हो जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो इंटरवल होता है या जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? फोकी इंटरवल ऑफ स्टर्नम, ठीक है, स्ट्रम।
यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो अनइवन सरफेस होता है, इसके जो होता है उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, टॉरिक सरफेस कहते हैं। क्या? टॉरिक सरफेस। यहाँ तक समझ गए? क्या था ये? हमारा हॉरिजॉन्टल है और ये हमारा वर्टिकल है। दोनों का पावर क्या होगा? अलग अलग होंगे। दोनों का कर्व क्या होगा? अलग होगा, एक से ज़्यादा कर्व होगा। अगर भी वर्टिकल वाला जो है, अगर क्या होगा, भी एच से ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, रूल के साथ चल रहा है, तो इसको कहते हैं विथ द रूल। लेकिन अगर गलती से एच ज़्यादा हो गया भी से, तो उसको कहते हैं अगेंस्ट द रूल, ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मेरिडियन जहाँ पर लेस पावर होता है उसको, मतलब कि एक मेरिडियन का पावर लेस होता है दूसरे मेरिडियन से, तो उसको कहते हैं बेस कर्व ऑफ द टोरिक लेंस। ठीक है, अब ये देखिए हमारा क्या है, मेरिडियन फॉर्म हुआ है, मेरिडियन में ये फोकस फॉर्म हुआ है। ये तरह तरह का आपको दिख रहा होगा, अल्फ़ाबेट ए बी सी डी ई एफ जी, आखिर ये सब है क्या? तो ये सब के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ए, ए का शेप कैसा है। तो आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल ओवल शेप है। कैसा इसका शेप है? हॉरिजॉन्टल ओवल शेप है। ठीक है, तो चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। ये जो ए पॉइंट है ना, इसको देखिए, इसका शेप कैसा है, हॉरिजॉन्टल ओवल। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कन्वर्जेंस है वर्टिकल का वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू हॉरिजॉन्टल, इसलिए इसका लेंथ क्या हो रहा है, कम है एज कंपेरिजन टू हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसका दूसरा नाम ओबलेट एलिप्स भी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रे दोनों सेम पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं हो रहा है। ठीक है, ए का समझ में आ गया। अब ये जो बी है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट फोकस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वर्टिकल रे है उसको क्या है, एक फोकस है, लेकिन हॉरिजॉन्टल रे स्टिल कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या फॉर्म कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वर्टिकल रे एक फोकस पहुंच गया, देखिए यहाँ पर फोकस पे पहुंच गया, लेकिन अभी भी हॉरिजॉन्टल रे क्या है, कन्वर्ज कर रहा है। तो ये कैसा बनाया, तो स्ट्रेट लाइन बनाया। अब सी वाला देखिए, सी में क्या है, इस पिक्चर को देखिए, इसका कैसा है, ये भी हॉरिजॉन्टल ओवल है। ठीक है, पूरी तरह सर्कल नहीं बना है। इसमें क्या है, वर्टिकल ले आर स्टार्ट डाइवर्जिंग, यहाँ पर क्या होगा, वर्टिकल ले धीरे धीरे डाइवर्ज करना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन इसका डाइवर्जन क्या है, अभी भी जो हॉरिजॉन्टल रे है उसके कन्वर्जन से कम है, इसलिए इसमें हॉरिजॉन्टल ओवल बना है। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं वी डी इज लेस देन एच सी, इसमें क्या था, वी सी इज ग्रेटर देन एच सी। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं डी पॉइंट में। डी पॉइंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन पॉइंट भी, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, डी पॉइंट में जो डाइवर्जेंस है और जो कन्वर्जेंस है दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जो वर्टिकल का डाइवर्जेंस है और हॉरिजॉन्टल का कन्वर्जन है दोनों एग्जैक्टली इक्वल होगा, इसलिए कैसा फॉर्म होगा, इसका शेप जो होगा वो सर्कल होगा। ये थोड़ा स्मॉल इन साइज होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सर्किल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन या डिफ्यूजन होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मिली किस में देखा जाता है, तो ये देखा जाता है मिक्स्ड एस्टिगमेटिज्म में, जिसमें बहुत मायोपिक और हाइपर मायोपिक होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जो सर्कल कहलाता है वो सर्कल ऑफ लिस्ट डिफ्यूजन कहलाता है। ये एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है ई। ई में क्या लिख रहा है कि ई वाला जो पॉइंट है ना, उसमें देखिए स्ट्रक्चर कैसा है,
तो इसमें वर्टिकल ओवर है। कैसा? तो वर्टिकल ओवर, देखिए ऊपर की ओर ज़्यादा है, मतलब हॉरिजेंटल कम है। तो हम कह सकते हैं वर्टिकल का जो डाइवर्जेंस है वो ज़्यादा है हॉरिजेंटल के कन्वर्जेंस से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ वर्टिकल ले ज़्यादा हो रहा है हॉरिजेंटल ले के कन्वर्जेंस से, इसलिए कैसा हो गया, वर्टिकल ओवल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड फोकस पॉइंट मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये सेकेंड फोकस पॉइंट में क्या है, ये वर्टिकल लाइन है। कैसे? तो हॉरिजेंटल ले को अब फोकस मिल गया, लेकिन वर्टिकल ले अभी भी डाइवर्ट कर रहा है, तो इसलिए इस तरह का हो गया। यहाँ पर क्या था कि वर्टिकल रे को फोकस मिल गया था, लेकिन हॉरिजेंटल रे कन्वर्ज कर रहा था। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जी लाइन क्या है, इसमें दोनों हॉरिजेंटल और वर्टिकल रे दोनों क्या है, डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए सेक्शन में क्या होंगे, वर्टिकल ओवल भी है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, तो प्रोलेट इलिप्स। क्या? प्रोलेट इलिप्स है, इसमें स्मॉल वर्टिकल ओवल होता है। इसमें मिली आप देखिएगा एच डी इक्वल टू वी डी। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका इत्योलॉजी क्या है, ये होता क्यों है, तो ये होता है कॉर्निया या लेंस के कारण। मतलब कि कॉर्निया का सबसे पहले बताती हूँ, आपको पता है कॉर्निया का एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव पावर होता है। तो ये जो कॉर्निया का कर्वल्चर है ना, उसमें एबनॉर्मलिटी जा जाती है, तो ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एस्टिगमेटिज्म बन जाता है। ये होता कैसे है, इसका एग्जांपल आईलिड प्रेशर के कारण, टेरिजिस्म के कारण, क्या टेरिजियम के कारण, कॉर्नियल स्कार के कारण, कॉर्निया डिजरेशन के कारण, केराटोकोनस के कारण, और माइल्ड कॉर्नियल ओपेसिटी के कारण। ये जो टेरिजियम है ना, ये विथ द रूल चलता है। इसका क्या मतलब है कि इसमें सबसे पहले विथ द रूल का मतलब पहले ही बता दी हूँ, इसमें है ना कि मान लीजिए ये हमारा आई है, ठीक है, ये हमारा पुपिल है, ये हमारा आईलिस है। यहाँ पर क्या होता है, फोल्ड होता है कंजक्टिवा का, जो मेली कॉर्निया को क्या करता है, प्रेशराइज करता है, प्रेशर देता है। ठीक है, अब दूसरा क्या आप देखने को मिलेगा आपको, लेंटिकुलर कॉजेज। लेंटिकुलर कॉजेज क्या होता है ना, ये रेयर होता है। इसमें मेली आप देखिएगा कर्वल्चर, कर्वल्चर जो मेरी रेंटिकोनस में देखने को मिलेगा, पोजीशन जो मेली कंजेनाइटल टिल्टिंग या ट्रॉमेटिक सब रिलैक्सेशन ऑफ लेंस के कारण होता है, और इंडेक्स, इंडेक्स मेली डेवलप्ड होता है कैटरेक्ट के कारण, न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस के कारण, या इंडेक्स एस्टिगमेटिज्म के कारण। ठीक है, तो आशा है, अब चलिए लास्ट में इसको समझने के लिए इसका निमोनिक्स बात करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब तक कोई फोकस पे नहीं आता वो डाइवर्ज नहीं करता। ठीक है, और माइंड में दो चीज़ें बैठा लीजिए, बीच में क्या होता है हमारा, सर्कल होता है। ठीक है, तो सर्कल के पहले आप दो ओवल बना लीजिए, और सर्कल के बाद दो वर्टिकल बना लीजिए, और दो ओवल के बीच में क्या, हॉरिजेंटल लाइन, और दो वर्टिकल के बीच में वर्टिकल लाइन। तो इससे आपको पिक्चर याद हो जाएगी। फिर से पिक्चर बनाते हैं, इसको बंद कर देते हैं। मान लीजिए एक सर्कल बनाए, सर्कल से पहले क्या है, दो हॉरिजेंटल ओवल है, और सर्कल के बाद दो वर्टिकल ओवल है, वर्टिकल ओवल के बीच में वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल ओवल के बीच में हॉरिजेंटल लाइन। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिखेंगे कैसे, एक बात याद रखिएगा, अगर जो फोकस बना लेगा वो स्टार्ट कर देगा डाइवर्जन। ठीक है, चाहे वो हॉरिजेंटल बनाए या ये वर्टिकल बनाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब पहला पिक्चर में आते हैं। उससे पहले ये जो सर्कल है इसको याद रखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, जो वी डी है और वी सी है, सॉरी वी डी है और एस सी है, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और एक बात याद कर सकते हैं, अगर याद करना है तो पहले भी लिखना है फिर एस सी लिखना है, लास्ट वाले को छोड़कर यहाँ तक पहले भी लिखना है फिर एच लिखना है, क्योंकि ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि पहले क्या लिखूँ पहले क्या नहीं लिखूँ, तो पहले भी लिखिए फिर एच लिखिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है,
तो हमारा जो वर्टिकल कन्वर्जेंस है वो ज़्यादा होता है हॉरिजेंटल कन्वर्जेंस से। अभी यहाँ पर दोनों को कन्वर्जेंस क्यों लिखे हैं, क्योंकि अभी कोई को फोकस पॉइंट नहीं मिला है। देखिए ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। कन्वर्ज करना कैसे होता है तो आपको वीडियो में पहले ही बताया, फिर भी बताती हूँ। अगर देखिए ये लाइन है, ठीक है, आप ही बताइए कि कौन कन्वर्ज कर रहा है और कौन डाइवर्ट कर रहा है, ठीक है। ये निकल रहा है, एक दूर जा रहा है और एक नज़दीक आ रहा है। जो एक पॉइंट की ओर जा रहा है उसको कन्वर्जेंस कहते हैं, और जो पॉइंट से दूर जा रहा है उसको डाइवर्जेंस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, एक पॉइंट की ओर जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, दोनों कन्वर्जेंस है। पिक्चर देख के समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा जो वर्टिकल कन्वर्जेंस है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू हॉरिजेंटल कन्वर्जेंस। तो हमारा कैसा बन जाएगा, हॉरिजेंटल ओवल बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या हो गया, वर्टिकल को फोकस मिल गया लेकिन अभी भी हॉरिजेंटल को फोकस नहीं मिला है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब थर्ड में आइएगा तो थर्ड में देखिए क्या हो रहा है, अब एक बार जब फोकस मिल गया तो हमारा क्या होगा, वर्टिकल लाइन डाइवर्ज करेगा लेकिन हॉरिजेंटल लाइन अभी भी कन्वर्ज कर रहा है। तो थर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, तो वी डी इज लेस देन वी सी। अब बताए थे ना कि वी वाला पहले लिखना है और एच वाला बाद में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डाइवर्जेंस कम होगा, कैसे, हॉरिजेंटल कन्वर्जेंस से, ठीक है। तो अभी भी ये ओरिजेंटल ओवल ही शेप रहेगा, लेकिन यहाँ पर डी पे क्या हो रहा है, जो हमारा ये वर्टिकल डाइवर्जेंस है वो इक्वल हो रहा है हॉरिजेंटल कन्वर्जेंस से, ठीक है। तो यहाँ पर सर्कल बन गया, लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा डाइवर्जेंस क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, बी डाइवर्जेंस इक्वल टू भी इज लेस ग्रेटर देन एच कन्वर्जेंस, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए आप हॉरिजेंटल क्या मिल गया, हॉरिजेंटल को, हॉरिजेंटल को फोकस मिल गया। तो हॉरिजेंटल को फोकस मिल गया लेकिन अभी भी क्या है, वर्टिकल क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, लेकिन ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लास्ट वाला देखिए क्या कहे थे, कि लास्ट वाला में यहाँ तक ही भी डी पहले रहता है एच सी से, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एच डी कम हो जाएगा एच भी डी से, क्योंकि अभी ही तो डाइवर्जेंस स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फिर से पूरा लिख देती हूँ सामने तो ज़्यादा इजी लगेगा। सबसे पहले इसमें क्या हुआ, तो भी सी कम ज़्यादा हुआ एच सी से, ठीक है। यहाँ पर वर्टिकल को फोकस मिल गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, भी डी कम हुआ एच सी से, यहाँ पर क्या हुआ, भी डी इक्वल टू एच सी, यहाँ पर क्या हुआ, भी डी इज ग्रेटर देन एच सी, यहाँ पर क्या हो गया, हॉरिजेंटल को फोकस मिल गया, यहाँ पर क्या हो गया, एच डी इज लेस देन भी डी। देखिए एक चीज़ और आप याद कर सकते हैं, जैसे कि आप सर्किल में जानते हैं कि इक्वल हो गया, ठीक है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, तो उससे पहले क्या होगा, कम होगा, उससे पहले ज़्यादा होगा, तो आप इससे भी एक याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये हॉरिजेंटल लाइन बन रहा है स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पे वर्टिकल को फोकस मिल गया, और अगर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो वहाँ पे हॉरिजेंटल को फोकस मिल गया, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसका निमोनिक्स भी समझ में आ गया। और अगर पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर से ऐसे समझिए, ये हमारा क्या है, हॉरिजेंटल है और ये हमारा वर्टिकल है। तो पहला पिक्चर देखिए, ठीक है, अब ये कन्वर्ज हो रहा है दोनों, तो क्या है, हमारा जो वर्टिकल कन्वर्जेंस है वो क्या है, ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू हॉरिजेंटल कन्वर्जेंस। तो इसलिए यहाँ पर क्या बना है, हॉरिजेंटल ओवल बना है। यहाँ पर वर्टिकल को पॉइंट मिल गया क्योंकि कन्वर्जेंस ज़्यादा है, लेकिन हॉरिजेंटल को पॉइंट नहीं मिला, इसलिए हॉरिजेंटल लाइन बना है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर देखिए जो वर्टिकल का डाइवर्जेंस है, क्योंकि एक बार पॉइंट मिल गया तब वो दूर भागेगा, और जो हॉरिजेंटल का डाइवर्जेंस है, कन्वर्जेंस है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कैसे। तो यहाँ देखिए डाइवर्जेंस क्या है, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, दिमाग लगाइए,
अभी उसको फोकस मिला है, अभी वो घर से निकलना चाह रहा है और एक ऑलरेडी घर से निकला हुआ है, तो वो कौन ज़्यादा दूर होगा? जो घर से ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है और जो अभी निकला है वो कम होगा, इसलिए वीडी लेस देन एससी होगा। यहाँ पर क्या है, दोनों बराबर पहुँच गए, यहाँ पर वीडी का ज़्यादा हो गया, ठीक है। न्यूमोनिक से भी बता दिए, यहाँ पर क्या हो गया, हॉरिजेंटल को फोकस मिल गया इसलिए वर्टिकल लाइन बना है, और यहाँ पे हॉरिजेंटल का डाइवर्जेंस कम है क्योंकि अभी अभी निकला है ना डाइवर्जेंस, और किससे, तो वर्टिकल के डाइवर्जेंस से। तो आपको आशा है ये केनॉइड समझ में आ गया होगा। जब हम बात करते हैं एस्टिगमेटिज्म की, तो ये मोस्ट कॉमन रिफ्रैक्टिव ईयर में आता है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, सिग्मेटिक ऑप्टिकल सिस्टम होता है, मतलब कि फोकस पॉइंट क्या होगा, सिग्मेटिक ऑप्टिकल सिस्टम में क्या होता है, जो भी फोकस है सभी राइट ले का एक सोर्स पे और एक सिंगल पॉइंट में होता है, लेकिन एस्टिगमेटिज्म में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कॉर्निया का कर्व हलचल, लेंस का कर्व हलचल डिफरेंट होता है, जो मेनली सिंगल पॉइंट पे फोकस करने में क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब जब ये सिंपल एस्टिगमेटिज्म हुआ है तो उसको करेक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइलेंड्रिकल या टोरिक लेंस देना पड़ेगा। याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दो तरह का हम लेंस यूज करते हैं, स्फेरिकल साइलेंड्रिकल। स्फेरिकल मेनली मायोपिया और हाइपर मायोपिया में देते हैं और साइलेंड्रिकल एस्टिगमेटिज्म में देते हैं, ठीक है। तो जब करेक्शन की बात आएगा एस्टिगमेटिज्म का, तो हम साइलेंड्रिकल लेंस देंगे या टोरिक लेंस देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब इसमें भी इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे हम मैंने उसमें बताया था मायोपिक में, वैसे ही इसमें अगर कोई लिखेगा तो ऐसे प्लस माइनस टू डी डायोप्टर, फिर सी लिखेगा। सी कहने का क्या मतलब है कि साइलेंड्रिकल लेंस है, और इनटू 90 डिग्री लिखेगा। 90 डिग्री क्या इंडिकेट करता है, ये एक्सिस को इंडिकेट करता है। अभी जब कनाइट पढ़ाया था तो आपको बताया था कि ये एक्सिस में होता है, क्योंकि इसके मिलने क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं, इसलिए इसका जो एक्सिस होता है, आपको पता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बीच में कितना होता है, 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, इसलिए लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। फिर से प्लस माइनस तो आपको पता है, अभी आगे पढ़िएगा उसमें पता चलेगा, लेकिन प्लस माइनस टू डायोप्टर, डायोप्टर क्या है, पावर का यूनिट है, और सी लिखेंगे, और इनटू 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल मेरिडियन के बीच का डिस्टेंस है, मतलब कि एक्सिस है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब बात करेंगे इसमें केस की बात करते हैं, केस कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए एक केस है ए बी सी, एक केस क्या है, तो एक केस मान लीजिए हाइपर, ए केस है मायोपिक, बी केस है हाइपर मायोपिक, और सी केस है एस्टिगमेटिज्म। तो इसको आप कैसे पहचानिएगा कि ये कौन सा केस क्या है, तो मान लीजिए आप किसी पेशेंट को दिए और उसको एक लेटर दिए AAIO मान लीजिए, ठीक है। इसको आप उस पेशेंट को क्या कहिएगा, पर हो, तो जो मायोपिक पेशेंट है, ठीक है, वो इसको पढ़ नहीं पाएगा, क्यों, मायोपिक पेशेंट को दूर का दिखता नहीं है। हाइपर मायोपिक को ईजिली पढ़ लेगा, लेकिन उसको उसके साथ हेडेक ये सब होने की संभावना है, ज़रूरी नहीं हो लेकिन हो सकता है। लेकिन एस्टिगमेटिक पेशेंट में ये जो हाफ लेटर है जो क्लियर दिखाई देगा, लेकिन अदर हाफ क्या होगे, हेजी दिखाई देंगे, और उसके साथ उसको हेडेक भी हो आएगा, मतलब आँख दर्द करेगा, जिसको सिम्टम को क्या कहते हैं, एस्थेनोपिया कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे पहचान लीजिएगा कि पेशेंट जो भी आया है उसको मायोपिया हुआ है, हाइपरोपिया हुआ है, या एस्टिगमेटिज्म हुआ है, ठीक है। ये मेनली स्नेलेन चार्ट के द्वारा किया जाता है। जो माइनर अमाउंट में जो एस्टिगमेटिज्म होता है ना, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, मेनली सिमिलर होता है किसके द्वारा, तो हाइपरमेट्रोपिया के द्वारा। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि जो हाइपरमेट्रोपिया है, इसमें मेनली एस्टिगमेटिज्म जो है वो मैक्सिमम एनेस्थेनोपिया होता है, एस्थेनोपिया होता है। एस्थेनोपिया मतलब बता दिए थे, एस्थेनोपिया मतलब क्या होता है, आप लगातार पढ़ते हैं तो आई एम स्ट्रेन होता है, जिसके कारण हेडेक ये सब होता है, क्योंकि हमारा जो रेटिना है ना
वो 19 डायोप्टर तक एकोमोडेट कर सकता है हमारे विजन को, लेकिन ज़्यादा देर तक एकोमोडेट करे तो, इसलिए डॉक्टर लोग या हमारे पूर्वज कहते हैं लगातार एक चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए, आई को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं टाइप ऑफ एस्टिगमेटिज। तो टाइप में हो जाए तो सिंपल हो जाएगा, क्या सिंपल हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा और मिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर बेस ऑन द सोर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन करें, कंट्रीब्यूशन के अनुसार इसका करें, तो ये तीन तरह का होता है, या तो कॉर्निया इफेक्ट होगा, या लेंटिकुलर इफेक्ट होगा, या रेटिना इफेक्ट का होगा। किस, तो बेस ऑन सोर्स ऑफ, सोर्स जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सोर्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या होंगे, या तो कॉर्निया होगा, रेंटिकुलर होगा या रेटिना होगा। जो मोस्ट कॉमन होता है ना एस्टिगमेटिज्म के लिए, वो है कॉर्निया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं कॉर्नियल एस्टिगमेटिज्म में। जो कॉर्नियल एस्टिगमेटिज्म है, इसमें मेनली आपको रेगुलर एस्टिगमेटिज्म देखने को मिलेगा। तो पहले बताते हैं रेगुलर एस्टिगमेटिज्म होता क्या है। तो देखिए, रेगुलर में मेनली दो प्रिंसिपल मेरिडियन होते हैं, कॉन्स्टेंट पावर होता है, ओरिएंटेशन मेनली पिपल के अक्रॉस होता है, जिसके कारण दो फोकल लाइन मिलेगा। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से राइट एंगल पे होते हैं, और जो एक्सिस होता है विद इन 20 डिग्री ऑफ हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, तो इसमें या तो विद्दर रूल चलेगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WTR कहते हैं, अगेंस्ट द रूल चलेगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ATR कहते हैं, या ऑब्लिक एस्टिगमेटिज्म चलेगा। ठीक है, तब विद्दर रूल जो होता है वो ज़्यादा कॉमन होता है और मेनली यंग में देखा जाता है, मतलब लेस देन 50 ईयर्स में, और अगेंस्ट द रूल है वो मेनली ओल्डर बुद्धे लोग में देखा जाएगा और मेनली ग्रेटर देन 50 ईयर्स में होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, जो BDR है ये क्या है, ये कॉमन होता है, यंग लोगों में देखा जाता है, इसका विजुअल एक्विटी अच्छा होता है। ये डिपेंड करता है कॉर्निया के शेप पे, क्या पे डिपेंड करता है, कॉर्निया का शेप पे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, इसमें जो वर्टिकल कर्व कल्चर होता है, कौन सा पीस में वर्टिकल जो कर्व कल्चर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है हॉरिजेंटल से। लेकिन जब ATR की बात किया जाए तो ATR मेनली बुद्धों में ज़्यादा होता है, और इसमें हॉरिजेंटल कर्व कल्चर ज़्यादा होता है वर्टिकल से। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब जो हमारा एस्टिगमेटिज्म है, इसका अगर पहचानना होगा कि ये विथ द रूल है या विदाउट द रूल है, तो इसको कैसे पहचानेंगे, तो ये तो बता दिया, अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे। तो पहले विथ द रूल को बताते हैं। मान लीजिए कि विथ द रूल में क्या आपको देखने को मिलेगा, प्लस सी इंटू 90 डिग्री, या क्या देखने को मिलेगा, माइनस सी इंटू 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री लिख रहे हैं तो सी में माइनस होगा, और अगर 90 डिग्री लिख रहे हैं तो सी में प्लस होगा। लेकिन ATR में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, अगर 90 डिग्री लिख रहे हैं तो सी में माइनस होगा, और 180 डिग्री लिख रहे हैं तो सी में प्लस होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए एक क्वेश्चन से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब केस मान लीजिए कि एक केस है जिसमें क्या है, माइनस 2 डायोप्टर S है और माइनस 3 C इंटू 90 डिग्री है, तो इसको कैसे पहचानेंगे। पहले S है मतलब कि स्फेरिकल लेंस से कनेक्टेड है, और माइनस है मतलब कि कनकेव लेंस से सही किया गया है। तो ये किस में होता है, तो मेनली मायोपिया, तो कंपाउंड मायोपिया। अब देखिए, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, अगर 90 डिग्री में क्या हो, माइनस हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगेंस्ट द रूल्स हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ATR, क्या ATR में आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये रेगुलर है या ये रेगुलर है, तो ये रेगुलर है क्योंकि ये जो रूल्स है ATR और WTR, ये किस में देखने को मिलता है, रेगुलर में देखने को मिलता है। अब मान लीजिए इसी को हम प्लस कर दिए, ठीक है, और इसको भी प्लस कर दिए, तो क्या होगा, प्लस है, स्फेरिकल है मतलब कि हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है,
और इधर प्लस है 90 डिग्री, मतलब कि ये बीट द रूल एस्टिगमेटीज में है। यहाँ तक समझ गए? अब देखिए एक केस में, मान लीजिए एक तरफ प्लस है और दूसरी तरफ माइनस है, तो इसका मतलब क्या है, ये मिक्स्ड है, ठीक है, रेगुलर है और विद द रूल है। माइनस है ना, तो माइनस में क्या होता है, सॉरी ATR है, मतलब कि अगेंस्ट द रूल है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे -180 कर दे तो क्या हो जाएगा, विद द रूल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पढ़ने आ गया है। अगर दोनों तरफ सेम रहेगा, इसका मतलब कि कंपाउंड मायोपिया या कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिया होगा। लेकिन अगर दोनों तरफ एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए तो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो मायोपिया में हम कैसे करेक्ट किए थे विजुअल प्रॉब्लम, कनकेव लेंस से, हाइपर मायोपिया में कन्वेक्स लेंस से, एस्टिगमेटीज में कैसे करेंगे, तो साइलेंड्रिकल लेंस से या टोरिक लेंस से, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब देखिए ये जो ऑब्लिक एस्टिगमेटीज है, अब इसका बच्चा, इसमें क्या होता है ना, मेरिडियन 20 डिग्री हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें मेरे लिए होता कितना है, तो 30 से 60 डिग्री या 120 से 150 डिग्री। तो याद रखिएगा इसमें 20 डिग्री का नहीं होता, कितना, 30 से 60 डिग्री या 120 से 150 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं। इरेगुलर एस्टिगमेटिज्म अभी बताया था, इरेगुलर में क्या होता है, मेनली पावर ऑफ अरिटेंशन क्या होते हैं, चेंज होते हैं, और ये मेनली कहाँ पे होता है, तो पुपिल में होता है। ये टाइप है रेगुलर एस्टिगमेटिज्म के, कंपाउंड मायोपिया, सिंपल मायोपिया, मिक्स सिंपल हाइपरोपिया और कंपाइंड हाइपरोपिया का, ठीक है। ये विद द रूल है और ये अगेंस्ट द रूल है। आप देख रहे हैं एक्सिस चेंजेस प्लस या माइनस 20 डिग्री हो रहा है, ठीक है। इसको सही करेंगे साइलेंड्रिकल लेंस के द्वारा। ये कॉर्निया है जिसका स्फेयर शेप होता है, ये एस्टिगमेटीज में क्या होता है कि ओवल शेप का हो जाता है। देखिए पिक्चर में देखिए इसका क्या है, ये मेनली कॉर्निया स्फेयर शेप का है, लेकिन इसमें क्या हो गया है, हमारा स्फेयर शेप का हो गया है, ठीक है। अब टर्म आ गया अनिसोमेट्रोपिया, क्या टर्म आ गया, अनिसोमेट्रोपिया। अभी अनिसोमेट्रोपिया होता क्या है, अनिसोमेट्रोपिया नाम से ही देखिए क्या, अनिसोमेट्रोपिया मतलब कि दोनों आई है ना, उसका जो रिफ्रैक्टिव एरर होगा वो अलग अलग होगा। अगर दोनों आई का अगर नॉर्मल होता है तो उसको क्या कहते हैं, ई मेट्रोपिया, मतलब कि दोनों आई में सेम रिफ्रैक्टिव एरर है, ये दोनों आई नॉर्मल है, ठीक है। और अगर दोनों में अलग होगा तो कहेंगे अनिसोमेट्रोपिया। ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है अम्बाइलोपिया का, भी आगे जाके अम्बाइलोपिया को डील करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम इसे समझते हैं अनिसोमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है, मेनली दोनों आई के रिफ्रैक्टिव एरर में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो आपको जहाँ तक कि पता है, जो हमारा आई है ना, वो अगर एक डायोप्टर चेंज होता है तो आई का जो इमेज बनता है रेटिना पे, उसमें 2% का डिफरेंस हो जाता है। हमारा जो रेटिना है वो 5% डिफरेंस तक सहन कर सकता है, जैसे कि 2.5 डायोप्टर से लेकर 4 डायोप्टर तक तो रेट कर सकता है, लेकिन जब डायोप्टर 4 से ज़्यादा हो जाए तब हमारा रेटिना तो रेट करना बंद हो जाएगा, ठीक है, और फिर अनिसोमेट्रोपिया होगा, ठीक है। अगर इसका हम ये क्लासिकल डिवीजन करें तो इसके मेनली दो होते हैं, एक ये डेवलपमेंट के अनुसार, एक होता है कंजेनाइटल या डेवलपमेंटल एनिसोमेट्रोपिया, दूसरा होता है एक्वायर्ड। ये जो कंजेनाइटल या डेवलपमेंट एनिसोमेट्रोपिया हुआ है, इसमें जो हमारा दोनों आईबॉल का ग्रोथ होता है वो उसमें डिफरेंस होते हैं, ठीक है। और अगर एक्वायर्ड की बात करें तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि आपका कैटारेक्ट सर्जरी हुआ है, यूनी ऑकुलर एफेकिया हो गया एक आई में, क्योंकि उसमें रॉन्ग पावर है, या इम्प्लांटेशन ऑफ IOL हुआ है, तो इसके कारण हमारा एक्वायर्ड एनिसोमेट्रोपिया हो सकता है। लेकिन अगर हम क्लिनिकल बेसिस पे डिफरेंस करें, तो क्लिनिकल बेसिस पे अगर इसको डिफरेंस करें तो सबसे पहला होता है सिंपल एनिसोमेट्रोपिया,
इसमें एक आई नॉर्मल होता है और दूसरा आई या तो मायोपिक होगा या हाइपरोपिया होगा। अगर मायोपिक हुआ तो उसको सिंपल मायोपिक एनिसोट्रोपिया कहेंगे, और अगर हाइपरोपिया हुआ तो सिंपल मायोपिक एनिसोमेट्रोपिया कहेंगे, सॉरी सिंपल हाइपरोपिक एनिसोमेट्रोपिया कहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड कहने का क्या मतलब है, दोनों आए या तो क्या होंगे मायोपिक होगा या दोनों आए हाइपरमायोपिक होगा, लेकिन दोनों का जो पावर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर मान लीजिए कि मायोपिक है तो एक क्या दोनों आई का पावर सेम होगा, नहीं, एक का पावर ज़्यादा होगा तो दूसरे का पावर कम होगा। जैसे एक आई का पावर क्या है -2 है तो दूसरे आई का पावर -3 या -4 होगा, इस तरह का दोनों आई का पावर डिफरेंस होगा, तभी तो एनिसोमेट्रोपिया कहलाएगा, ठीक है। तो अगर ये मायोपिक है, ठीक है, तो उसको कहेंगे कंपाउंड मायोपिक एनिसोमेट्रोपिया, और अगर ये हाइपरमेट्रोपिक है तो कहेंगे कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एनिसोमेट्रोपिया, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारा मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होता है, हमारा एक आई क्या होगा मायोपिया होगा, दूसरा आई हाइपरमायोपिया होगा, तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड। और इसका दूसरा नाम क्या है, एंटीमेट्रोपिया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद और भी हैं, एक होता है सिंपल एस्टिग्मेटिक एनिसोट्रोपिया। अब इसका क्या मतलब है कि एक आई सिंपल में ये समझ लीजिए कि एक आई नॉर्मल होता है, कोई भी सिंपल हो, ठीक है, तो इसमें क्या है, एक आई नॉर्मल होगा और दूसरा आई क्या होगा उसमें एस्टिग्मेटिज्म होगा, ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे सिंपल एस्टिग्मेटिक एनिसोट्रोपिया। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो कंपाउंड एस्टिग्मेटिज्म एनिसोट्रोपिया, इसमें क्या होगा, दोनों आई क्या होंगे, ये एस्टिग्मेटिक होंगे लेकिन दोनों का पावर क्या होगा, अलग अलग होगा। सिंपल में एक आई नॉर्मल होता है और दूसरा में क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है, लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, दोनों आई में क्या होंगे, प्रॉब्लम होंगे, और लेकिन जो आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव एरर अलग अलग होगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए वही कह रहा है, आई कैन नॉट एकोमोडेट इंडिपेंडेंटली, अपने से आई सही नहीं कर सकता अगर एक आई क्रोनिकली ब्लर हो जाए तो, ठीक है। तो अगर ये जो डिफरेंस है, अगर 1.5 डायोप्टर से ज़्यादा हो जाए तो रेटिना क्या होगा, सही कर सकता है, लेकिन क्या होंगे, तो एनिस्कोनिया डेवलप होगा। एनिस्कोनिया डेवलप होने के क्या मतलब है कि इसमें वही आई स्ट्रेन हेडेक ये सब के साथ होगा, तो स्पेक्टिकल से ये सही कर सकते हैं लेकिन ओनली 25% तक, कॉन्टैक्ट लेंस से 6% और इंट्राओकुलर से 1% इमेज को हम सही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका पहले साइन और सिम्टम, साइन और सिम्टम क्या है, तो साइन और सिम्टम की बात करें तो पहले सिम्टम, तो डिप्लोपिया दो दिखेगा, ब्लर विजन होगा, आई स्ट्रेन होंगे, हेडेक होगा। साइन का बात करें तो अगर लो डिग्री ऑफ एनिसोमेट्रोपिया होगा तो बाइनोकुलर विजन होगा, लेकिन हाई डिग्री ऑफ ये एनिसोट्रोपिया होगा। लो डिग्री कहने का क्या मतलब है, दो डायोप्टर से कम, लेकिन दो डायोप्टर से ज़्यादा हो जाएगा तो इनऑकुलर विजन लॉस होगा, ठीक है। अब अल्टरनेटिव विजन क्या होता है, जब हाइपरमेट्रोपिया जो आई यूज कर रहा है वो डिस्टेंस के लिए है, लेकिन मायोपिया आई क्या हो जाता है, नियर के लिए हो जाता है, मतलब अल्टरनेटिव, एक आई में दूर का दिखता है और दूसरे आई में नज़दीक का दिखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसमें उसको टर्म को क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग विजन कहते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, तो ये मेनली रेटिनोस्कोपिक एग्जामिनेशन या ऑटो रिफ्लेक्ट्रोमेट्री एग्जामिनेशन के बाद किया जाता है। ट्रीटमेंट की करें तो ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले स्पेक्टिकल देंगे, तो ये जो स्पेक्टिकल है ना, आपको पता है दोनों का क्या है, पावर अलग अलग है, तो हम मैक्सिमम डिफरेंस 4 डायोप्टर तक देख सकते हैं, जैसे कि एक आई का पावर 2 है, दूसरे का 6 तक दे सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं देंगे, अगर ज़्यादा देंगे तो पर्सन को डिप्लोपिया हो जाएगा, मैंने दो दो चीज़ें दिखेगी। कॉन्टैक्ट लेंस, अगर ज़्यादा डिग्री ऑफ एनिसोमेट्रोपिया हुआ है तो हम कॉन्टैक्ट लेंस देंगे, ठीक है।
और क्या कर सकते हैं, टेनिसोकोनिक ग्लास दे सकते हैं, और अदर और भी क्या क्या कर सकते हैं अदर चीज में, तो इंट्राओकुलर लेंस दे सकते हैं। तो इंट्राओकुलर लेंस किस में देंगे, अगर इन कैसे देंगे, तो इम्प्लांटेशन किया जाता है फॉर इनीओकुलर एफेकिया, मतलब कि इनीओकुलर एफेकिया होया हुआ, एफेकिया मतलब कि लेंस को निकाल दिया गया है, तो हम उसमें क्या करेंगे, इंट्राओकुलर लेंस जो आर्टिफिशियल लेंस होता है उसको इम्प्लांट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल सर्जरी करेंगे अगर यूनिलेटरल क्या हुआ है, हाइपरमायोपिया हुआ है, तो यूनिलेटरल हाइपरमायोपिया या एस्टिगमेटिज्म या हाइपरमेट्रोपिया, फिर से रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल सर्जरी करेंगे यूनिलेटरल मायोपिया, हाई मायोपिया, हाई हेट्रोमायोपिया या एस्टिगमेटिज्म, इसमें क्या करा जाता है, रिफ्रैक्टिव सर्जरी किया जाता है कॉर्निया का। अब एफेकिया रिफ्रैक्टिव लेंस और रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज मेनली किया जाएगा जब हाई डिग्री ऑफ एनिसोमेट्रिया होगा, तो आपको एनिसोमेट्रोपिया समझ में आ गया। अब इसमें इसका करेक्टिव के लिए मोस्ट कॉमन क्या है, हमारा स्पेक्टिकल्स है, ये सेफेस्ट होता है। आपको पता है मायोपिया में हम कनकेव लेंस देते हैं जो मेनली डाइवर्जिंग लेंस होता है, हाइपरोपिया में हम कन्वेक्स लेंस देते हैं जो मेनली कन्वर्जिंग होता है, इसलिए इसका चार्ज प्लस होता है और इसका चार्ज माइनस होता है। एस्टिगमेटिज्म में हम सिलेंड्रिकल लेंस देते हैं, ठीक है। अब आते हैं एम्बाइलोपिया, ये एम्बाइलोपिया क्या होता है, एम्बाइलोपिया से पहले एक और बता देती हूँ, प्रेस बायोपिया क्या, अब जो पढ़ा रहे हैं टॉपिक उसका नाम है प्रेस बायोपिया, क्या प्रेस बायोपिया, क्या ये रिफ्रैक्टिव ऑफ इरर के कारण होता है, इरर ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण होता है, नहीं, ये फिजियोलॉजिकल इनसफिशियंसी के कारण होता है। इसमें मेनली जो एकोमोडेशन पावर है वो लूज हो जाता है, जैसा कि आपको पता है हमारा जो आई का लेंस है वो 19 डायोप्टर तक एकोमोडेट कर जाता है, लेकिन क्या होता है ना, इसका एज के साथ इसका जो एकोमोडेशन पावर है, जो सही करने का पावर है, वो डिक्रीज होने लगता है। क्यों, पहला जो हमारा लेंस है वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, वहाँ पर या तो कैल्सिफिकेशन हो गया है, मिनरलाइजेशन हो गया है या सैचुरेशन हो गया है, इसके कारण लेंस क्या है, हार्ड हो गया है। दूसरा जो लेंस के ऊपर कवरिंग होता है जिसको कैप्सूल कहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा फाइबर आ गया है। तीसरा जो सीरियली मसल है वो क्या हो गया, वीक हो गया है, जिसके कारण वो ये सही से एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण हमको नियर का ये क्या हो जाएगा, देखने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम इसको कैसे सही करते हैं, मेनली कॉन्वेक्स लेंस से सही करते हैं। तो आपने कुछ देर पहले पढ़ा था हाइपरोपिया, उसमें भी नज़दीक का नहीं दिखता है, टेंशन मत लीजिए, दोनों के बारे में बताऊंगी, पहले इसके बारे में बताती हूँ। लेकिन क्या आप जो अभी मैंने बताया कि इसको मेनली हम 40 साल के बाद ही देख सकते हैं, क्या ये 40 साल से पहले नहीं हो सकता, हो सकता है। इसको कहते हैं प्री मैच्योर प्रेस बायोपिया। इसमें मेनली क्यों होता है, तो ये जैसे कि किसी पेशेंट को बहुत दिन तक हाइपरोपिया है, वो सही नहीं करा रहा है, या क्या हुआ है, ग्लॉकोमा हुआ है, या किसी में क्या हो रहा है कि जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस है, तो उनमें क्या हो सकता है, प्री मैच्योर प्रेस बायोपिया हो सकता है। तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, स्पेक्टिकल्स देंगे या प्रोग्रेसिव लेंस देंगे, ये जो प्रोग्रेसिव लेंस होगा या ये चेंज होता है एज के अनुसार, जैसे जैसे एज बढ़ेगा उसे उसे जो डायोप्टर है पावर है वो बढ़ेगा। लेंस में भी हम मोनोफोकल या बाईफोकल लेंस देंगे, ठीक है। अब बताते हैं कि ये जो प्रेस बायोपिया है ये हाइपरोपिया से कैसे डिफरेंस है। तो जो प्रेस बायोपिया है वो मेनली 40 से 45 साल में होता है, लेकिन हाइपरोपिया कभी भी हो सकता है। जो प्रेस बायोपिया है उसमें क्या होता है, नियर दृष्टि दोष होता है, मतलब सॉरी नज़दीक का नहीं दिखाई देता है, और इसमें जो डिस्टेंस विजन है वो नॉर्मल होता है, और अगर नियर का दिखाई नहीं देता है तो उसमें हम ग्लास वियर करेंगे, लेकिन अगर जो दूर का है उसके लिए कोई भी ग्लासेज यूज नहीं करते हैं। लेकिन हाइपरोपिया के लिए क्या है, हमेशा आपको ग्लासेज यूज करना है, ये नहीं कि जब नज़दीक का देखना है तब यूज करना है, बाकी नहीं करना है, उसको हमेशा यूज करना है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एम्बाइलोपिया। अब ये क्या है? इसका दूसरा नाम लेजी आई भी होता है। क्या? लेजी आई क्यों कहा जाता है? इसमें इसमें जो एक आँख होता है वो नॉर्मल होता है, दूसरा आई में क्या होगा, थोड़ा कम दिखाई देगा। तो क्या ये रिफ्रैक्टिव एरर के कारण होता है? आंसर नहीं। क्या ये कॉर्निया सब के प्रॉब्लम से होता है? आंसर नहीं। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर ये है कि इसे ये कौन जेनाइटल है, आई बॉल ये का पूरी तरह डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इसका कोई पैथोलॉजिकल कारण नहीं है, इसमें आई बॉल पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है जिसके कारण विजन कम हो गया एक आई का, ठीक है। और अगर ये विजन 8 साल के पहले तक पता चल जाए या अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो इसको हम इजीली ट्रीट करके परमानेंट ला सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एम्बाइलोपिया डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट ऑर्गेनिक आई डिजीज टू एक्सप्लेन द लेवल ऑफ विजन। ये मेनली मेल डेवलपमेंट ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स के कारण होता है और इसका अगर क्रिटिकल पीरियड बर्थ से 8 साल तक होता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट तो अर्जेंसी है क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर इसका डायग्नोसिस हो जाए तो परमानेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये क्रिटिकल पीरियड के बाद चला जाए मतलब 8 साल के बाद हो जाए तो ये इरिवर्सिबल हो सकता है, ठीक है। इसलिए विजुअल स्क्रीनिंग कब रिकमेंडेड है? तो 4 साल के एज पे, ठीक है। अब ये कुछ करेक्शन है जो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, ठीक है। आशा है आपको ये रिफ्रैक्टिव एरर समझ में आ गया होगा। अगर रिफ्रैक्टिव एरर समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब करना।